अब आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्वलेट का क्या रोल होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सर्वलेट बना के दिखाया था, आज उसको और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने जेएसपी फाइल बनाई थी लास्ट क्लास में, सपोज उसी की तरफ चलते हैं। क्या बनाया था मैंने? हमने एक एचटीएमएल फॉर्म बनाया था। उस एचटीएमएल फॉर्म के बाद, उस एचटीएमएल फॉर्म से मैंने वैल्यू ली थी जेएसपी के अंदर। ये देखिए जेएसपी का पेज था, इसके अंदर हमने एचटीएमएल से ये वैल्यू ली थी। आई होप कि आपको ध्यान होगा, ये वैल्यू हमने ली थी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू। उसके बाद वो वैल्यू मैंने सिर्फ प्रिंट करके यहाँ पर दिखाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहें तो इनको डेटाबेस वगैरह के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब चलिए चलते हैं कि अगर हम जेएसपी को रन कराते हैं तो क्या होता है। जब मैंने इसको रन कराया था तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रन फाइल, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रोल ब्राउजर पे शिफ्ट हो जाएगा, और ब्राउजर मैंने सेट कर लिया था यहाँ पर गूगल क्रोम। तो अब आप देखेंगे कि हमारा कंट्रोल ब्राउजर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ब्राउजर में हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो जेएसपी फाइल की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा किस तरीके की फाइल है, स्क्रिप्टिंग फाइल होती है जिसमें जहां पर मुझे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये मुझे कोड चाहिए होता है वहां पर मैं उसको लगा देता हूँ, जहां पर मुझे जावा लगाना होता है वहां पर मैं ये स्क्रिप्ट ऐड लगा के जावा का कोड स्टार्ट कर सकता हूँ। इजी होती हैं कोडिंग लिखना, हमारे लिए बहुत इजी होता है। आपको पता होगा जो प्योर जावा फाइल होती हैं उसके अंदर हमें बहुत सारे कोडिंग, क्लास, फंक्शन, सब कुछ प्रॉपर पैकेज इंपोर्ट करना, वो सब कुछ वैसे ही करना होता है। इसमें हमें उस तरीके से नहीं करना होगा, आपने खुद समझ गए होंगे कि अगर मुझे एक कमांड लिखनी है तो मैं एक ही कमांड इसमें लिखता हूँ। ये डिफरेंस होता है हमारा जेएसपी एंड सर्वलेट के अंदर। लेकिन इंटरनली जो वर्किंग होती है, जब आप अपनी जेएसपी फाइल को रन कर देते हो तो ये जेएसपी फाइल भी आपकी कन्वर्ट हो जाती है सर्वलेट के अंदर। जेएसपी फाइल आपकी कन्वर्ट हो जाती है सर्वलेट के अंदर। यानी अब आपको कोई कंफ्यूजन है, पूछना चाहते हो इसका मतलब क्या हुआ, समझ आया आपको? यानी इंटरनल जो आपका, जो इंटरनल का वर्किंग है, जेएसपी भी फाइनली कन्वर्ट होती है रन होने से पहले सर्वलेट के अंदर। अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और यहां पर आपको मिलेगा, वन सेकेंड, यहां पर हमारा व्यू कहीं दिख रहा है? यहां पर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं अभी। अब हम अपने ब्राउजर की तरफ चलते हैं जहां पे हमारी आउटपुट आई होगी। ओके, यहां पर कोई एरर है, देखिए एरर थ्रो ये दिखा दिया उसने, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये दिख गया मैसेज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये बता सकते हो क्यों मैसेज आया मेरे पास, क्यों मैसेज आया? कोई रिप्लाई कर सकता है कि ये मैसेज मेरे पास क्यों आया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ये मैसेज क्यों आया? क्योंकि देखिए मैंने जो पिछले पेज से, जब मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल वाले पेज को खोलता तो मुझे रोल नंबर मिलता, उससे जब इस पे आता सबमिट करके, रोल नंबर को हम यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते। अब ना तो मुझे रोल नंबर मिला, ना मुझे नेम मिला, ना कोर्स मिला। जब मुझे कुछ वैल्यू मिली नहीं यहाँ पर, तो मैं किसको यहाँ पर कन्वर्ट करा रहा हूं इंटीजर के अंदर, इस लाइन में। इस वजह से उसने एरर मार दी। अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो एरर है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन आई है वो ना आए, तो आप इसको ट्राई कैच में लिख सकते हो। तो ट्राई कैच के अंदर किस तरीके से लिखते हैं, यहां पे लिखा मैंने ट्राई, ये मैंने ट्राई को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कैच, और कैच में आपको जैसे मैंने उस दिन बताया भी था, एक्सेप्शन हैंडलिंग जब पढ़ाई थी, इसमें हम लिख देते हैं कैच एक्सेप्शन। अगर कोई एक्सेप्शन आई तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिखा मैंने दिस इज एक्सेप्शन। अब जो है आपका पेज फटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। जिस तरीके से एरर आई थी तो आपका पेज ही रन करना बंद कर गया था, क्योंकि एक्सेप्शन को हमने हैंडल नहीं किया था, वो सीधे जावा के टॉमकेट के पास चला गया था, उसने हमारी एक्सेप्शन को हैंडल किया था। अब क्या होगा, अगर हम इसी तरीके से पेज लोड करेंगे तो हमारा कंट्रोल इसमें आ जाएगा लेकिन हमारा पेज ओपन होगा। तो चलिए इसको मैंने अभी कर लिया सेव, और फिर से जाके करता हूं पेज को रिफ्रेश। अब आप देखोगे आपका पेज ऊपर का कोड रन हो चुका है, और कैच वाला जो मैसेज है वो मैसेज हमारे पास थ्रो हो गया, दिस इज एक्सेप्शन।
ये क्यों थ्रो हो गया है तो समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि मैंने जो है ये इस लाइन की वजह से एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने पिछले पेज से रन नहीं कराया इस पेज को, डायरेक्टली हमने इस पेज को रन करा दिया, तो ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट नहीं हो पाई किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, इस वजह से ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आई और हमारा कंट्रोल उस कैच के अंदर चला गया। सर स्क्रीन शो चल रहा है क्या, स्लो चल रहा है क्या स्क्रीन? तो मैंने शायद पूरी कंप्लीट आपको रन कर रखी है। आई थिंक मुझे स्क्रीन में लैगिंग लग रहा है, नहीं तो हो सकता है रिकॉर्डिंग की वजह से हो। चलो मैं ये वाली एक रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, आगे देख लेते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इस पेज के थ्रू जाएं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल के थ्रू, और दूसरी बात अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर व्यू दिखता है क्या। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपको व्यू सर्वलेट, यहाँ पर देखते हैं इसमें आता है क्या। ये देखिए यहाँ पर आया, आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू सर्वलेट। ये व्यू सर्वलेट तभी दिखेगा जब आपकी जेएसपी फाइल एक बार रन हो जाएगी। अगर आपकी जेएसपी फाइल रन हो गई इसका मतलब वो कन्वर्ट भी हो गई सर्वलेट में, तो आप, मैंने आपको बताया था जो फाइल है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाती है सर्वलेट में और तभी रन होती है, यानी जेएसपी फाइल डायरेक्टली रन नहीं हो सकती, पहले वो भी कन्वर्ट होती है। तो वो आप कोड, उसका क्या इक्विवेलेंट कोड बनेगा वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप कोड देखिए, ये कोड आपको दिख रहा होगा, ये कोड कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो वो जेएसपी जो मुझे सिंपल सी जेएसपी लग रही थी वो जेएसपी अब मेरी कन्वर्ट होके सर्वलेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उसके अंदर प्योर जावा का कोड आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपका इम्पोर्ट है, जिसमें आपकी क्लास है, जिसमें फंक्शंस हैं, सब चीजें हैं। तो जो आपका कोड आपको वहां पे दिख रहा था वो कोड कन्वर्ट होके ये बन गया फाइनली। तो इससे आपको एक बात पता चलेगी कि जेएसपी भी आपकी फाइनली कन्वर्ट होती है सर्वलेट के अंदर, और सर्वलेट की फॉर्म में ही वो रन होती है। लेकिन अगर आपने कोई जेएसपी बनाई और अगर आपने वो रन नहीं करी तो आपको व्यू सर्वलेट का ऑप्शन नहीं देखेगा। हालांकि ये दोनों फाइल हम जेएसपी रन करवा चुके हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पर व्यू सर्वलेट दिख रहा है। तो ये तो मैंने बताया था कि आपका जेएसपी के बारे में, अब हम बात करेंगे सर्वलेट के बारे में। तो सर्वलेट की एक फाइल मैंने ऑलरेडी बनाई थी यहाँ पर, इसमें चलते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे ये पैकेज होते हैं, पैकेज का आपको पता होगा कि अगर आपकी जावा की क्लास, किसी क्लास की डेफिनेशन उसको ना पता हो, फंक्शन की ना पता हो, इंटरफेस की ना पता हो, तो पहले वो पैकेज जिसके अंदर वो इंटरफेस या फिर क्लास एग्जिस्ट करती है उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये पैकेज हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए, जो हमारी सर्वलेट की क्लास बनेगी वो इनहेरिट करती है HTTP सर्वलेट को। हमारे दो तरीके के सर्वलेट होते हैं, या तो HTTP या फिर जेनरिक। अभी हम बात करेंगे HTTP सर्वलेट की। दो फंक्शन यहाँ पर ये हिडन है जो मैंने आपको बताए थे, डू गेट और डू पोस्ट। अगर मेरा फॉर्म, जब हम फॉर्म पे सबमिट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, अगर यहाँ पर मेरा मेथड जो है वो मेथड होता है पोस्ट, तो हम पोस्ट फंक्शन के अंदर आते हैं यहाँ पर, पोस्ट फंक्शन के अंदर, और जो मेरी वैल्यूज हैं इस पेज से जो वैल्यू आई मेरी, वो वैल्यू मेरी आई ना रोल नंबर की वैल्यू, कोर्स की वैल्यू, इस बटन की वैल्यू, वो सारी वैल्यू आती हैं इस वेरिएबल के अंदर रिक्वेस्ट के साथ। तो वो वैल्यू मुझे मिलती हैं रिक्वेस्ट वेरिएबल के साथ, इस रिक्वेस्ट को, इस रिक्वेस्ट के थ्रू मैं चाहूं तो वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि हम डू पोस्ट फंक्शन के अंदर वो काम नहीं करते, वो काम हम करते हैं प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर। तो जैसे हमें दो वैल्यू मिली थी, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, वो दोनों के दोनों हम पास करा देते हैं इस फंक्शन में। यानी हम देखा जाए तो हमें कॉल किया था डू पोस्ट फंक्शन को उस फॉर्म ने, और हमने कॉल कर लिया प्रोसेस रिक्वेस्ट फंक्शन को, तो हमारा कंट्रोल वापस ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर। इसके अंदर हमने फिर से वही दो वेरिएबल ले लिए, एक रिक्वेस्ट टाइप का, एक रेस्पॉन्स टाइप का। रिक्वेस्ट किस टाइप का वेरिएबल होता है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, और ये होता है रेस्पॉन्स। दोनों हमने ले लिए, हालांकि अभी हमें रेस्पॉन्स की जरूरत इनिशियल नहीं है, यहाँ पर जब हम प्रिंट वगैरह कराएंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी। दो चेक्ड एक्सेप्शन आपको थ्रो करनी पड़ती हैं, सर्वलेट और आयो। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती थी, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप उनको थ्रो नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम ही आपको एरर
देगा। अब चलते हैं इस कोडिंग के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप यहां से लेके यहां तक का पूरा कोड देखेंगे तो ये कोड है डिफॉल्ट, यानी अगर मैं सिर्फ इतना कोड लिख दूं यहां पर, ट्राई कहां से कहां तक है, ट्राई मेरा यहां से यूज हुआ और यहां पर ओके, यहां पर खत्म हो रहा है। तो देखिए इस कोडिंग के अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूं, एक्चुअली मैं इसको पूरे को हटा रहा हूं यहां से, ये वाली लाइन हमारे काम की है, इस लाइन को उठा के मैंने ऊपर डाला। तो देखिए क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूं। ये मैंने यहां से यहां तक का हटा दिया। देखिए JSP के अंदर हमने कोड लिखा था आउट डॉट प्रिंटलन, ध्यान होगा आपको JSP के अंदर मैंने क्या लिखा था, मैं लिख रहा था आउट डॉट प्रिंट, क्या होता था उससे आउट डॉट प्रिंट से, आउट डॉट प्रिंट ये मैं लिखता था, क्या होता था भाई, प्रिंट हो जाता था। क्यों हो जाता था प्रिंट, क्योंकि JSP के अंदर ये जो आउट है, ये मैंने आपको बताया था क्या है, ये क्या है JSP के अंदर आउट, ये है हमारा एक इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट, क्या है ये इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट। JSP जानती है आउट आउट को, बट सर्वलेट नहीं जानता उसको। तो सर्वलेट के अंदर अगर मुझे आउट डॉट प्रिंट लिखना है तो मुझे ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। एक्चुअली JSP के अंदर ये इनबिल्ट है, इसमें क्या बनाना पड़ता है, हमें प्रिंट राइटर एक क्लास है, उसका हमने एक रेफरेंस वेरिएबल लिया और उसके साथ फंक्शन कॉल किया कि रेस्पॉन्स के साथ हम राइट करेंगे। रेस्पॉन्स किस टाइप की वैल्यू थी, ये वैल्यू थी ऊपर अगर आप देखोगे तो, ये वैल्यू HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स, यानी अब हम कुछ राइट करने वाले हैं, तो ये जो वेरिएबल का नाम हमने लिया आउट, इसी वजह से हम फंक्शन बना पाएंगे आउट डॉट प्रिंट या आउट डॉट राइट, जो भी हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मैं वो आउट वाला काम ना कर पाता। तो देखिए किस तरीके से मैं लिखूंगा, अब मैं अगर करूंगा कॉल, मान लो इस स्क्रीन पे मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा आउट डॉट, अब देखिए अगर आपको फंक्शन याद ना हो तो ये खुद से आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, हमने लिखा यहां पर आउट डॉट राइट और यहां पर लिख दिया, दोनों चीजें हम लिख लेते हैं यहां पर, दोनों की आउटपुट हमें क्या दिखाई देगी, आउट डॉट राइट लिख दिया मैंने और एक लिख लिया मैंने आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट, तो हम प्रिंट का यूज करेंगे, यहां पे लिखा मैंने हेलो सर्वलेट, इसको भी कमेंट बना देते हैं आउट डॉट राइट। तो यानी सर्वलेट की फाइल के ऊपर ये आउटपुट मुझे दिखाई देगी, हेलो सर्वलेट। अब हम इसको चलाएंगे कैसे, मैं इसको रन कर सकता हूं, राइट क्लिक रन फाइल, ये पिछले किसी HTML पेज से कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए इस वाली चीज को अभी हम समझते हैं, ये जो आता है ये होता है URL, यानी अगर यूजर उसके साथ क्वेरी स्ट्रिंग अपेंड करता है न्यू सर्वलेट तो मेरा फिर ये पेज रन होगा। तो वो मेरे से कह रहा है कि आप ये हिट करवाना चाहते हो क्या न्यू सर्वलेट, तो मैं कर दूंगा ओके, ओके कर दूंगा, तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है आप जो है इस पेज को रन कर दीजिए जिसका URL है न्यू सर्वलेट। अब वो URL कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, अभी तो मैंने आपको सिर्फ सर्वलेट बनता कैसे है और उसके प्रोसेस रिक्वेस्ट का क्या कोड होता है वो समझाया। तो ये डिक्लेरेशन होती है आपके फंक्शन की, प्रोसेस रिक्वेस्ट की, यानी सोचो जब भी आपकी सर्वलेट फाइल खुलेगी और आप कुछ भी फंक्शनिंग करना चाहते हो तो वो कोड आपको इस फंक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है, और ये आपका नेसेसरी कोड है, अभी मैंने सिर्फ एक लाइन का कोड छोड़ा है हेलो सर्वलेट। तो चलिए उसको देख लेते हैं और आप देख पा रहे होंगे वो मेरी आउटपुट यहां पर प्रिंट हो गई। अब देखो ऊपर आपको URL पाथ में दिख रहा होगा न्यू सर्वलेट, ये किस वजह से दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं चाहूं मैं यहां पर लिख दूं सपोज T1, तो वो क्या करेगा, T1 नाम की कोई फाइल ढूंढेगा जो कि है नहीं, तो आपको क्या देगा, एरर दे देगा। चलिए रन नहीं हो रहा, एक मिनट, थोड़ा हैंग हो गया ये, एक सेकंड का वेट कर लेते हैं। अब देखिए ब्राउजर अगर अभी ओपन हो जाता है, मैं देख लेता हूं ब्राउजर हैंग हो रहा है। ठीक है, ये आ गया आपका,
क्या एरर आई? द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, यानी कि जो आपकी T1 फाइल आप ओपन करना चाह रहे हो ना, वो फाइल उसको नहीं मिली। तो न्यू सर्वलेट कैसे मिल गई थी? न्यू सर्वलेट ये कैसे मिल गई थी भाई? ये था या स्मॉल में था? न्यू सर्वलेट शायद यही होगा, ठीक है, न्यू सर्वलेट ये था। तो ये कैसे मिली थी? क्या हम इस URL को बदल सकते हैं क्या, कि यहां पर मैं मान लो ये डालूं रिजल्ट और वो फाइल ओपन हो जाए सर्वलेट वाली? तो ये कैसे होता है? इसको बोलते हैं हम URL मैपिंग। सर्वलेट के साथ कर सकते हो URL मैपिंग। तो ये किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। हम चलिए इस विंडो पे फिर से आ गए अपनी कोडिंग वाले विंडो पर। इसमें एक इंपॉर्टेंट फाइल होती है, वहां पर हम चलते हैं। देखिए आप इसको ओपन करिए, वेब INF फोल्डर। वेब INF फोल्डर आप जब ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर एक फाइल web.xml। अभी तक हमने क्या देखा है? वेब पेजेज के अंदर वेब INF और उसके पैरेलल ये फाइल पड़ी हुई है JSP, CSS, HTML। CSS अभी हमने HTML फाइल के अंदर ही लिख दिया या JSP के अंदर ही लिख दिया, लेकिन हम चाहें तो उसकी अलग फाइल भी बना सकते थे। अब हम बात करते हैं कि web.xml का क्या रोल होता है। तो अगर आपको पता हो तो XML फाइल होती क्या है बेसिकली? XML फाइल ये भी टैग पे काम करती है, इसके अंदर भी टैग होता है, लेकिन आप इसके अंदर कस्टमाइज टैग बना सकते हो XML के अंदर। यानी जैसे आपको पता होगा HTML के अंदर आपके खुद प्री डिफाइंड टैग होते हैं, लेकिन आप XML में आप खुद के टैग भी बना सकते हो, आप टैगिंग कर सकते हो। यहां पर जो रोल है इस web.xml फाइल का, इसका नाम यही रहेगा web.xml। आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये एक ही फाइल होगी web.xml, और ये काम करती है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। फिर से याद कर लीजिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है web.xml का क्या रोल होता है। web.xml होती है आपकी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का मतलब हो गया जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो सबसे पहले वो इस फाइल के अंदर आएगा और इस फाइल से आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके प्रोजेक्ट की। आपका जो प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा वो यही फाइल सेट करेगी कि कैसे डिप्लॉय होगा आपका प्रोजेक्ट। अब उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस फाइल के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर कौन कौन सी फाइल का रोल होता है, कौन कौन सी चीजें हमें करनी होती है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक सेशन यहाँ पे कन्फिगर हो रखा है। ये सेशन देख रहे हो आप, सेशन कॉन्फिग। इसमें एक वैल्यू लिखी हुई है सेशन टाइम आउट। इसका मतलब है अगर आप 30 मिनट तक अपने सेशन को आइडल रखते हो तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी अपने ब्राउजर में तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें जो भी वैल्यू सेशन में पड़ी हुई थी वो एक्सपायर हो जाएंगी। तो बाई डिफॉल्ट ये टाइम 30 मिनट्स का है, आप इसको चेंज कर सकते हो। जब आप सेशन पढ़ोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि सेशन क्या चीज होती है। आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन कर लिया तो आपकी आईडी पासवर्ड सेशन में चली जाती है। जब आप सेशन अगर एक्सपायर हो गया तो फिर आप दोबारा से आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है। अगर आपने नहीं डाला तो वही वैल्यू आगे पूरी वेबसाइट पे कंटिन्यू करती रहती है, आपका आईडी पासवर्ड आपको बार बार डालना नहीं पड़ता। ये रोल होता है सेशन का। अब इसके अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो मैं एक एक करके बताता हूँ। अब चलिए इसमें एक और फाइल होती है, वो हम देख लेते हैं। ओके, इसमें वो बाय डिफॉल्ट है ही नहीं, हम उसको डाल सकते हैं, मैं बता दूंगा उसका क्या रोल होता है। एक इसमें हम फाइल बना सकते हैं टैग के थ्रू, उसको बोलते हैं वेलकम फाइल। वेलकम फाइल का मतलब होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट रन हो तो सबसे पहले कौन सी फाइल चाहिए अगर यूजर ने कोई भी पाथ नहीं दिया तो। क्लियर हुआ मैंने क्या बताया? यानी हम कैसे बनाएंगे वो तो मैं भी बना के दिखा दूंगा। अगर यूजर ने कुछ भी पाथ नहीं दिया, फॉर एग्जांपल यूजर अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहा है और यूजर ने दे दिया पाथ, एक सेकंड मैं यहाँ पे उस ब्राउज़र विंडो पे चलता हूँ। यूजर ने यहाँ पे सिर्फ इतना दे दिया CSE6, अपने प्रोजेक्ट तक का पाथ दिया, तो कौन सी फाइल रन होगी? आप देख रहे हो ना एक फाइल रन हुई है, तो अभी हुई है बाई डिफॉल्ट इंडेक्स नाम की फाइल। जिस फाइल का नाम इंडेक्स होगा वो रन हो जाएगी, ये वाली फाइल रन हुई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये वाली फाइल रन ना हो, मेरी फाइल तो ये है जो पहले सबसे पहले रन होनी चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। मैं कहां पे जाकर चेंज करूंगा? web.xml के अंदर मैं वो वेलकम फाइल बना दूंगा। कैसे बनाएंगे वो मैं भी करके दिखा दूंगा। तो वो काम भी हमें इसमें डिफाइन करना होता है। जितनी भी आप JSP ऐड करोगे उनकी मैपिंग अपने आप हो जाती है उनके नाम से। जैसे मान लो देखो आपको index.jsp रन करनी है, तो आप क्या करोगे, जो आपका ब्राउजर में पाथ है
वहां पे जाके लिख दोगे इसके आगे इंडेक्स डॉट जेएसपी, राइट, इंडेक्स डॉट जेएसपी। इंडेक्स तो वैसे बाई डिफॉल्ट भी रन हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो फाइल आपको रन करनी है आप उसका नाम लिख दोगे। लेकिन सर्वलेट में आपको कैसे पता कि इसका क्या नाम लिखना है, ठीक है? तो आप इसकी हो रखी होती है मैपिंग, कहां पर होती है, वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर। वो कैसे होती है वो आप समझ लीजिए। देखिए सर्वलेट का क्या नाम था, न्यू सर्वलेट, ठीक है? इसकी मैपिंग न्यू सर्वलेट, इसकी मैपिंग यहां वेब डॉट एक्सएमएल में कैसे होती है, हम इस टैग से समझते हैं। एक ही सर्वलेट बना हुआ है तो दो टैग इसके अंदर लगे हुए हैं, आप दो टैग को ध्यान से देखिए। एक टैग है सर्वलेट और दूसरा टैग है सर्वलेट मैपिंग। दो टैग है सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग। जितने भी आप सर्वलेट बनाओगे आपको ये दोनों टैग यहां पर लगाने पड़ेंगे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर। क्या मतलब है इनका, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला टैग है सर्वलेट। सर्वलेट टैग क्या करता है, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास। तो आपकी सर्वलेट नेम का फाइल क्या था, सर्वलेट का नाम क्या था, न्यू सर्वलेट, ऑब्वियस सी बात है ये नाम था। तो जो आपकी क्लास बनेगी जब आप उसे कंपाइल करोगे वो भी इसी नाम की बनेगी। तो ये दोनों नाम तो सेम है, सर्वलेट का नाम न्यू सर्वलेट, सर्वलेट की क्लास जो बनेगी वो न्यू सर्वलेट। ये आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आप कोई सर्वलेट ऐड करोगे, तो जब मैंने सर्वलेट ऐड किया था वहां पे उसने पूछा था कि क्या आप इसकी डेफिनेशन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में ऐड करना चाहते हो वेब डॉट एक्सएमएल में, मैंने टिक कर दिया था, इसीलिए मैपिंग हो पाई। अगर मैं वो ऐड नहीं करता तो मुझे मैन्युअली ये टैग यहां पर लिखने पड़ते। अब देखिए जब मैंने एक सर्वलेट ऐड किया तो ये सर्वलेट टैग मुझे लगाना पड़ा। अब उस सर्वलेट की मैपिंग मुझे करनी पड़ती है। मैपिंग कैसे करते हैं हम, सर्वलेट का जो नाम था यहां पर न्यू सर्वलेट, उसके करस्पॉन्डिंग वो किस यूआरएल पे खुलेगा वो हमें यहां पे देना होता है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि मेरा न्यू सर्वलेट नाम का सर्वलेट इस यूआरएल पे खुलेगा, ठीक है? यहां पर तो मैंने बताया कि जो मेरा सर्वलेट है न्यू सर्वलेट उसकी क्लास किस नाम की है, और यहां पर बताया मैंने कि मेरा जो न्यू सर्वलेट है वो किस मैपिंग पे खुलेगा, यानी अगर यूजर आगे क्या लिखेगा कि मेरा ये सर्वलेट रन हो, तो वो हम यहां पर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैं चाहता हूं मुझे रिजल्ट पे खुले तो मैं यहां पे जाके चेंज कर दूंगा। मैंने लिखा कि अब इसका मतलब हुआ अगर यूजर ने ये यूआरएल पैटर्न में देख लीजिए, यूआरएल पैटर्न का मतलब है यूजर अगर ये वैल्यू हिट करेगा तो यहां से देखेगा वो कि ये वाला सर्वलेट रन होना चाहिए, और इस सर्वलेट से क्लास कौन सी रन होनी चाहिए वो यहां से देखेगा, इस सर्वलेट को फिर यहां पे ढूंढेगा, इस नाम की जो क्लास फाइल होगी उसको रन कर देगा। तो ये आप चेंज कर सकते हो अपना पैटर्न। अब इसको चलाने के लिए मैं इसको रन कर देता हूं, मैं इसको कर रहा हूं रन, या एक काम करते हैं पहले बाय डिफॉल्ट देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट अगर मैं वहां पे यूआरएल में दे देता हूं तो क्या ओपन हो जाता है क्या। मैं यहां पर देखिए इंडेक्स डॉट जेएसपी की जगह दे रहा हूं रिजल्ट। अब आप देख रहे होंगे ऊपर मेरा यूआरएल में रिजल्ट है और मेरा सर्वलेट ओपन हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने यूआरएल पैटर्न यहां पर बदल दिया। तो अब आपको वेब डॉट एक्सएमएल का रोल समझ आ गया होगा। अभी तक हमने कौन कौन सी फाइल पढ़ी, मैंने आपको जेएसपी बताई, मैंने आपको सर्वलेट बताई, मैंने आपको वेब डॉट एक्सएमएल बताई। वेब डॉट एक्सएमएल आपकी सिर्फ एक ही फाइल होती है, आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आप उसको आप यहाँ पर ही कर सकते हो। और भी कई कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया सर्वलेट वेलकम फाइल लिस्ट में आप बदल सकते हो, आपकी जो डिफॉल्ट फाइल रन हो उसका आप नाम बदल सकते हो, और बाकी सर्वलेट की मैपिंग तो कंपलसरी है। अगर एक और सर्वलेट में बनाऊं तो मुझे उसकी मैपिंग दिए बिना मेरा वो सर्वलेट रन नहीं होगा। तो वेब डॉट एक्सएमएल का क्या रोल होता है, ये एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल होती है जिसके अंदर हम सर्वलेट की मैपिंग करते हैं, और हम सेशन का टाइम भी दे सकते हैं, सेशन कितने टाइम बाद हमारा एक्सपायर हो जाए, हम अपनी वेलकम फाइल बना सकते हैं, और भी कई सारे काम इसके अंदर होते हैं वो काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारी एक ही फाइल होती है और इसका पाथ भी फिक्स होता है, आपको web-inf नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको इस फाइल का नाम रखना पड़ेगा web.xml। आप इसका नाम कुछ दूसरा नहीं रख सकते, web.xml ही रखना पड़ेगा। आप अपनी जेएसपी फाइल का नाम कुछ भी रखिए, आप अपनी सर्वलेट फाइल का नाम कुछ भी रखिए, लेकिन जो आपकी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है web.xml उसका नाम आपको सेम ही रखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, नाउ वी विल सी जिस तरीके से हमने जो मेरा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज था ये वाला, इससे जिस तरीके से मैंने वैल्यू यहाँ पर जेएसपी पर ली थी, आपको ध्यान होगा
और अगर नहीं ध्यान है तो आप पुराना सेशन जो है वो रिवाइज कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने जो लिंक है वो आपको दे दिया है। अगर आप चाहते हो कि सर्वलेट के थ्रू जब मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूं, ये जो मेरा फॉर्म बना हुआ था, तो मेरा जेएसपी रन ना हो, मेरा सर्वलेट रन हो, और सर्वलेट के अंदर भी मैं वो वैल्यू गेट करूं जो मैंने यहाँ पर रोल नंबर नेम ये वैल्यू थी ये मैं यहाँ पर गेट करूं सर्वलेट के अंदर, तो किस तरीके से करूंगा। देखिए जो मेरा पेज है वापस वहीं चलते हैं, रजिस्ट्रेशन वाला पेज, इसके ऊपर जहां मैंने यहाँ पर पाथ दिया था jsp1.jsp, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पाथ की जगह पर मैं अब दे दूंगा सर्वलेट। कैसे रन होगा, कैन यू रिप्लाई, सर्वलेट किस तरीके से रन हुआ था? देखिए जेएसपी रन हुई थी jsp1.jsp लिखने पे, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया था, लेकिन अब मेरा सर्वलेट कैसे रन हुआ था, जो सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न था, तो वो यूआरएल पैटर्न मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। वन सेकेंड, राइट, मेरा जेएसपी रन हो रहा था jsp1.jsp करने पे, लेकिन सर्वलेट रन हो रहा था रिजल्ट करने पे, तो मुझे सर्वलेट के नाम से मतलब नहीं है। अब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि ये अगर किसी ने HTML का फॉर्म बनाया है तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि मैं कौन से सर्वलेट को रन करा रहा हूं, इसीलिए कोडिंग सिक्योर भी होती है। उसको सिर्फ इतना मतलब है कि रिजल्ट यूआरएल हिट मानना है, और हमने web.xml में मैपिंग करी हुई है कि रिजल्ट क्लिक करने पे कौन सा सर्वलेट रन होगा। क्लियर हुआ? तो यानी जो व्यू बनाएगा उसको ये भी नहीं पता होगा कि कोडिंग किस पेज पे हो रखी है, उसको हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि तू रिजल्ट पे भेज दे ये डेटा, हमारा यूआरएल पैटर्न रिजल्ट है, तो बस वो यहां पर रिजल्ट दे देगा। ठीक है, और मेथड मैंने आपको बताए थे गेट और पोस्ट में क्या फर्क होता है। गेट में आपके जो वैल्यूज हैं वो क्वेरी स्ट्रिंग में आपको दिखेंगी, लेकिन पोस्ट में वो वैल्यूज आपको क्वेरी स्ट्रिंग में नहीं दिखेंगी। चलिए अब इसको कर लेते हैं रन, मैं इसको यहां पर करने पे ही रिजल्ट में पहुंच जाएगा, लेकिन रिजल्ट यानी कि सर्वलेट पे, इस सर्वलेट से वैल्यू पहुंचेंगी डू गेट, तो हमने लगाया नहीं, डू पोस्ट में, डू पोस्ट के थ्रू वो वैल्यू जाएंगी प्रोसेस रिक्वेस्ट में, यानी हम उन वैल्यूज को यहां पर ही पकड़ेंगे यहां पर। तो यहां पर मैं किस तरीके से पकड़ूंगा, देखिए सपोज मुझे नेम पकड़ना है पहले, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू, किसी भी वेरिएबल में मैं ले सकता हूं उसका नाम, मैं नेम भी रख सकता हूं, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, किसी भी नाम का वेरिएबल मैं डिफाइन कर सकता हूं। अब देखिए वहां पर इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट था रिक्वेस्ट, इसीलिए मैंने लिखा था रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। यहां पर क्या लिखूंगा मैं, जो मैंने ये वेरिएबल बनाया हुआ है, अगर मैं इसका नाम req कर दूं तो मैं req से सारे वेरिएबल पकड़ने लग जाऊंगा। प्रिंट राइटर के साथ अगर मैं इस वेरिएबल का नाम o कर दूं तो मेरे फंक्शन भी o से चलने लगेंगे, o डॉट प्रिंट, मैं पूरा out डॉट प्रिंट नहीं लिखूंगा। तो यहां पे समझ लेते हैं, मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये फंक्शन क्यों बना, क्योंकि जेएसपी के अंदर तो ये इम्प्लिसिट बना बनाया होता है, लेकिन हमने यहां पर इसी नाम का डिफाइन कराया। अगर मैं यहां पे डिफाइन कर दूं req तो फिर ये फंक्शन भी हमारा req नाम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। यहां पे मैं अपने पैरामीटर का नाम दे सकता हूं, जैसे मैंने दे दिया नाम, तो उस स्पेस से जो वैल्यू मुझे मिलेगी नेम कंट्रोल की, जो मैंने यहां पे नेम बनाया था, ये नाम नेम से रेफर करना होता है। आईडी भी अगर आपने यहां पर बना दी तो आईडी से रेफर नहीं होता, नेम से रेफर होता है। तो सोचो यहां से उस पेज पे कैसे जाएगा, जो उसे यहां पर यूआरएल बनाया, उस URL से वो यहां पर आएगा web.xml में मैपिंग होने के बाद। इसके बाद हमने नेम नाम के कंट्रोल को रिसीव कर लिया इस नेम के अंदर, और अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैंने करा दिया, मैंने यहां पर लिखा नेम इज इक्वल टू प्लस नेम, ये नेम मेरा मैसेज है और ये नेम मेरा वेरिएबल है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आपको मल्टीपल वैल्यू निकालनी है रोल नंबर की, वो आप निकाल सकते हो, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ये हमने ऑलरेडी ली थी सारी वैल्यू, ये मैं सारी वैल्यू यहां से कॉपी करके है कोड वहां ले जाता हूं सर्वलेट के अंदर, ये पूरा कोड हम वहां से उठा के डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए रिक्वेस्ट में उसने एरर दे दी क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम बदल के कर दिया req, तो जहां पर रिक्वेस्ट था वहां पर मैं req कर देता हूं। उसी तरीके से अगर मैं चाहूं यहां पर भी मैं req कर देता हूं, उसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो मैं इस आउट को की जगह पे यहां पे कुछ और भी बदल सकता हूं। तो अब आपके फंक्शन ये प्रिंट वाले भी चलने लगेंगे ओ नाम से। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो
जेएसपी के अंदर मैंने आउट लिखा था, वहां पर तो वो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट था, मैं उसकी जगह दूसरा नहीं लिख सकता, लेकिन सर्वलेट के अंदर मैं वो लिख सकता हूं। यहां पर मैं जो नाम दे दूंगा उसी से रिक्वेस्ट नाम का काम चलेगा, जो भी मुझे रिक्वेस्ट वेरिएबल बनाने हैं, और जो मैं ओ दे दूंगा यहां पर प्रिंट राइटर का, उस नाम से वो चलेगा। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैं करता हूं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट एस टी एम एल, और इसके बाद मैंने यहां पर डाली वैल्यू, मैंने यहां पर डाला रोल नंबर 4567, नेम डाल दिया मैंने आदेश, कोर्स मैंने डाल दिया सपोज एमसीए, और मैंने कर दिया सबमिट। तो अब पहले मेरा कंट्रोल जा रहा था जेएसपी पेज के ऊपर, अब मेरा कंट्रोल जाना चाहिए सर्वलेट के ऊपर, और सर्वलेट के ऊपर वो वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जानी चाहिए। तो देख लेते हैं, वन सेकेंड, अभी भी हमारा जेएसपी पेज के ऊपर ही कंट्रोल गया है, बता सकते हो क्यों? क्योंकि आई थिंक जो सर्वलेट वाली फाइल, ये जो फाइल है ये हमने सेव नहीं करी अभी, रिजल्ट ये सेव नहीं करी होगी, इस वजह से ये कंट्रोल उसी पे गया होगा। अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से, और अब डालते हैं वैल्यू, अब हम करते हैं, अब आप देख रहे होगे इस बार जो कंट्रोल गया वो रिजल्ट के ऊपर गया। तो जो हम जेएसपी पे भेज रहे थे वैल्यू, वही वैल्यू मेरी चली गई सर्वलेट के ऊपर। आई होप कि एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं आपको, नाउ टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कैन सेंड द वैल्यूज फ्रॉम एचटीएमएल पेज टू जेएसपी एंड सर्वलेट एज वेल, बट नाउ वी विल सी कि अगर हमने फॉर्म के थ्रू डेटा भेजा था अगर अपने सर्वलेट पेज पे या फिर जेएसपी पेज पे, तो हमने वो निकाल लिया था विद द हेल्प ऑफ द, इस तरीके से हमने निकाला था वो, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, ये नेम, कोर्स, हमने उस पैरामीटर के नाम के थ्रू निकाल लिया था। उसके बाद हमने कनेक्टिविटी भी अगर हम करके चाहें उस डेटा को इंसर्ट करना तो हम कर सकते हैं, और अगर हम उसका कुछ भी यूज करना चाहें तो उस डेटा का कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम वो व्यू करना चाहें डेटा को, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो व्यू करने के लिए अगर हम जावा का कोड लगाएं व्यू के साथ, तो हम किस तरीके से करेंगे। मैं एक नई जेएसपी फाइल बना लेता हूं, सपोज यहां पर मैंने क्लिक करके, आप उसको सर्वलेट के अंदर भी रन कर सकते हो, आपको पता चल गया होगा डिफरेंस क्या है। जेएसपी के अंदर तो मैं कहीं भी स्क्रिप्टलेट टैग लगाऊंगा और सीधे मैं वहां पर जावा का कोड लिखना स्टार्ट कर दूंगा, जबकि सर्वलेट के अंदर वो कोड मैं यहाँ पर प्रोसेस रिक्वेस्ट में लिखूंगा, उसके बाद ये मुझे प्रिंट राइटर का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जो मेरा यहाँ पर ये रिक्वेस्ट वेरिएबल होगा एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का, उसके थ्रू ही मैं वैल्यू यहाँ पर रिसीव करूंगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, और इसकी अपनी मैपिंग होती है। अब बात करते हैं कि मैं एक नई जेएसपी फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और मैंने लिखा यहाँ पर जेएसपी, यहाँ पर नाम दे दिया, और यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले डाटा, और इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा जेएसपी। तो ये मेरा जेएसपी का पेज बन गया। ओके, ये मेरा जेएसपी का पेज बन गया। इसके अंदर मैं डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो डेटा डिस्प्ले करने का मतलब आपको समझ गए, इस बॉडी के अंदर मैं किस फॉर्मेट में डेटा दिखाऊंगा। एक बार जरा ध्यान से देखिए, अभी तो मैंने ये जो मेरा हेडिंग बना हुआ था एक, वो हेडिंग मैंने हटा दिया। आपको पता होगा टाइटल बदलना है तो आप यहाँ पे जाके बदल सकते हो, यहाँ पे लिखा मैंने डिस्प्ले डेटा, या कुछ भी मैंने लिख दिया स्टूडेंट डेटा, जो भी मुझे लिखना है। अब अगर देखिए मुझे क्या करना है, सपोज पिछले पेज से जो मुझे डेटा मिला था फॉर्म से, वही डेटा मुझे टेबल के अंदर डालना है, टेबल की फॉर्मेट में डालना है। तो देखिए मैं टेबल बना सकता हूँ, आपको पता होगा टेबल बनाने के लिए मुझे, अभी तो मेरा ये पूरा का पूरा पेज एचटीएमएल की तरह से ट्रीट हो रहा है, तो मैं टेबल कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा मैं पिक्सल्स में मुझे देना होता है उसके बाद टेबल के बाद अगर मुझे टेबल में हेडिंग रखने हैं तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ टीएच, हेडिंग मैंने दे दिया सपोज पहला हेडिंग मेरा रोल नंबर, ये मेरा टीएच क्लोज हो गया। फिर से मैंने एक और टीएच बना दिया हेडिंग यानी के, उसमें मैंने लिया सपोज नेम, और एक और हेडिंग मैंने बना दिया उसमें ले लिया मैंने कोर्स। अब आप टेबल की सीएसएस पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा टैग भी होते हैं, टी हेड आप बना सकते हो, टी बॉडी बना सकते हो, वो मेरा पर्पज नहीं है।
मैं आपको सिर्फ बेसिक एचटीएमएल बता के उसको खत्म करना चाहता हूं। अब देखिए टेबल मेरी बन गई और जो मेरा टीआर है सपोज ये मेरा हो गया स्टार्ट। आपको पता होगा टीआर क्या काम करता है, यानी कि वो करता है आपका टेबल का रो क्रिएट। उसके बाद मैं टीडी बना देता हूं, टीडी मतलब टेबल डेटा, और इसके अंदर रोल नंबर का डेटा, इसके अंदर नेम का डेटा, इसके अंदर कोर्स का डेटा ये मैं डालना चाहता हूं। अब सपोज ये मान के चलिए कि पिछले वाले पेज से जो मैंने फॉर्म भरा था, अब हम कंट्रोल भेजेंगे अपना डिस्प्ले डेटा के पास, डिस्प्ले डेटा, और डॉट जेएसपी भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी सर्वलेट की मैपिंग तो हम वेब डॉट एक्सएमएल में करते हैं तो वहां पर हमें एक्सटेंशन नहीं देना होता, लेकिन क्योंकि जेएसपी की मैपिंग नहीं होती तो हमें पूरा नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। अब मैंने लिखा डिस्प्ले डेटा डॉट जेएसपी और इससे मेरा कंट्रोल सीधे ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास। यहाँ पर मैं वो वैल्यू रिसीव कर लेता हूँ, जो मेरी वैल्यू है मैंने यहाँ पर रिसीव कर ली जैसे हमने इस जीएसपी वन में ली थी, वैसे ही मैं यहाँ पर कोडिंग करके इसको लिख लेता हूँ। यही कोड मैं ऊपर यहाँ पे चिपका देता हूँ, ये देखिए। तो अब मुझे प्रिंट नहीं, यहाँ पे प्रिंट नहीं करना, और ये ट्राई कैच भी मैं हटा देता हूँ। सिर्फ मैंने क्या कोड लिखा उसके अंदर, कैसे हमें वो वैल्यू रिसीव करनी है पिछले पेज से। अब आपको पता है कि आपका डेटा आ चुका है रोल नंबर में, नेम में, कोर्स में। अब सपोज आपको यही वेरिएबल रोल नंबर, नेम, कोर्स आपको यूज करने हैं इस यहाँ पर टीडी के अंदर, तो आप चाहो तो उनको कर सकते हो। किस तरीके से, अभी तो हमने स्क्रिप्ट लाइट ही पढ़ा है, बाद में मैं आपको दूसरे भी टैग बताऊंगा, और भी टैग होते हैं, बिना आउट के ही आपका प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप इस टीडी के अंदर ये रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो देखो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे स्क्रिप्ट लाइट शुरू कर दिया, यहाँ पे लिखोगे आप आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर आप रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। टीडी, टीडी के अंदर आपको रोल की वैल्यू प्रिंट करनी थी तो आपने यहां पर ये लिखा आउट डॉट प्रिंट, अब आप टीडी को खत्म कर देंगे, राइट। तो हम किस तरीके से, ओके, तो ये वैल्यू मैंने रिसीव करी थी पिछले पेज से, ये तो हमारा पुराना वाला काम है, बट इन्हीं वेरिएबल को अगर मुझे आगे यूज करना है अपने कोड के अंदर तो किस तरीके से करूंगा। कल भी मैंने हालांकि आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आपका ये वेरिएबल डिक्लेयर हुए वो फर्दर भी उनका स्कोप रहता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आउट डॉट प्रिंट रोल, डायरेक्टली भी मैं जे स्क्रिप्टलेट टैग से नहीं, बट मैं दूसरे टैग बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लासेज में बताऊंगा, तो उसमें आप देखोगे तो मुझे ये भी नहीं लिखना पड़ेगा आउट डॉट प्रिंट, सीधे मैं रोल लिखूंगा, रोल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अभी तो मैंने क्या बोला, टीडी बना मेरा, उसके अंदर ये रोल नंबर प्रिंट हो गया और फिर से मेरा टीडी क्लोज हो गया। अब अगर मुझे इसी तरीके से वैल्यू मल्टीपल चाहिए तो मैं कॉपी कर सकता हूं, मैंने किया कॉपी पेस्ट, और यहां पे आप देखोगे दूसरे टीडी के अंदर मुझे क्या डालनी है वैल्यू, रोल नंबर की नहीं बल्कि नेम वाली, तो मैं यहां पे इसका नाम बदल के दे दूंगा एन। उसी तरीके से तीसरे के अंदर मुझे रखनी है वैल्यू सी, यानी कोर्स वाली। अब आप देखोगे तो टेबल बना, टेबल के अंदर हेडिंग बने, हेडिंग के बाद मेरा रो क्रिएट हुआ, रो के बाद मेरा टीडी बना, टीडी के अंदर वो डेटा आ गया जो मैंने पिछले पेज से भेजा था, और जब मेरे टीडी खत्म हुए तो मैं क्या करता हूं, मैं टीआर को क्लोज कर लेता हूं और मैं टीआर के अलावा अपने टेबल को भी क्लोज कर लेता हूं। तो मेरी टेबल बन गई यहां से लेके यहां तक, आप देख पा रहे होंगे ये उसमें तीन हेडिंग है, ये मेरा रो क्रिएट हुआ और रो के अंदर मेरे मल्टीपल टीडी है। तो ये होता है तरीका आपका टेबल बनाने का। इस टेबल के अंदर आपको पता है मैंने वेरिएबल यूज कर लिए, लेटर ऑन मैं चाहूं तो ये लूप के अंदर भी डाल सकता हूं वैल्यूज, जिससे आपकी मल्टीपल रो क्रिएट हो जाएंगी टेबल के अंदर। तो ये होता है तरीका आपका, आपके उन्हीं वेरिएबल को आगे फर्दर यूज करने का। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। अभी मेरी कोडिंग ये है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज पे मैं जो डेटा डालूंगा वो डेटा मेरा इन वेरिएबल के थ्रू होता हुआ इस टेबल के अंदर चला जाएगा। तो चलिए मैं यहां से करता हूं उसको रन, या फिर मैं डायरेक्टली भी इस पेज को वहां पर ओपन कर सकता हूं ब्राउजर का, आपको पता होगा ब्राउजर में खोलने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल, ये मेरा पेज ओपन हो गया। इसमें मैं वैल्यू भरता हूं डेडिकेटेड, और नेम में मैंने लिख दिया जॉन, यहाँ पे मैंने कोर्स कर दिया उसका बीटेक। अब मैं कर रहा हूं सबमिट,
तो मेरा जेएसपी पेज ओपन होगा, ये वाला डिस्प्ले वाला, ये डिस्प्ले, इसमें ये वैल्यू जाएंगी रोल नंबर की, उसके अंदर कोर्स की, नेम की, और वो एक टेबल की फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएंगी। अब इस टेबल को थोड़ा सा हम कर लेते हैं, चलो इसको सेंटर तो लगा ही देते हैं कम से कम, ठीक है, ये सेंटर यहाँ टेबल के बाद मैंने क्लोज कर दिया। हम बाद में और भी सीएसएस आप लोगों को आती होगी तो आप लगा सकते हो, आपका व्यू अच्छा दिखेगा। तो देखिए इस पेज को, ये मैंने डेटा डाला था और इसको अब मैं करता हूँ सबमिट। तो मैंने ये पेज सेव कर दिया और इस पेज को मैं सबमिट करने वाला हूँ। अब आप देखोगे तो अगर सब कुछ ठीक है तो आपका डेटा टेबल के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि किस तरीके से एचटीएमएल फॉर्म का डेटा आपका जेएसपी के अंदर आया और जेएसपी से आपने उस डेटा को डिस्प्ले करा दिया टेबल के अंदर। अब आपकी फंक्शनिंग क्या हो सकती है, सपोज सर ये तो हार्ड कोड हो गया बट हमें थाउजेंड्स ऑफ डेटा को डालना है तब क्या करेंगे, वो मैंने अभी बताया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि उस केस में हम लूप चला सकते हैं और लूप की हेल्प से ये वाली जो रो बनेंगी वो लूप के अंदर बन जाएंगी तो हमारा डायनेमिक आ जाएगा। जैसे इस केस में भी अगर सपोज मैं चाहता हूं कि ये लूप के अंदर बने ये कोडिंग, तो ये लूप के अंदर क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, यहां पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया सपोज int i इज इक्वल टू 1, मुझे 10 रो क्रिएट करनी है, डेटा मैं वही डाल दूं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर ये रो बनने से लेकर के ये रो बनने तक का डेटा मैं लूप के अंदर डाल दूंगा, लेकिन ये तो मेरा जावा का कोड है लूप लगाने वाला, तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। स्क्रिप्टलेट में यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर मेरी ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। अब देखिए ये मेरा जावा का कोड खत्म, अब मेरा ये एचटीएमएल का कोड आ गया, और एचटीएमएल के बाद फिर से मेरी जो ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी ये ब्रैकेट मुझे खत्म करनी है, यानी लूप मुझे खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से अपना जावा का कोड स्टार्ट करूंगा और इसके बाद दो काम करूंगा मैं, एक तो मुझे आई वेरिएबल को इंक्रीज कराना पड़ेगा i++, और मुझे अपना जो लूप है वो करना पड़ेगा बंद, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, यानी मुझे जावा का कोड जहां पे चाहिए मैं अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकता हूं। मैंने यहां पे लूप लगाना था तो जावा स्टार्ट कर दिया, मुझे html चाहिए तो मैंने html ले ली, जहां पर भी मुझे जावा का कोड चाहिए मैं इस तरीके से स्क्रिप्ट लेट लगा सकता हूँ। यहाँ पे मेरा लूप स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेरा लूप खत्म हो गया लास्ट में, और लास्ट में जब मैंने खत्म किया तो देखिए आई को इंक्रीमेंट तो कराना ही पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू है उसकी 1, वो लूप चलेगा मेरा 10 बार। तो अब आप देखोगे तो इसी डेटा के थ्रू आपके पास सेम रोल नंबर नेम कोर्स बार बार इंसर्ट हो जाएंगे 10 बार। अब आपको लगेगा कि ये तो हो गया फिक्स कोड, यही वैल्यू इंसर्ट हो रही है, तो आप लूप से डायनेमिक वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, वो डेटा निकाल के डालना है, इसका मतलब लूप के अंदर ही आपको डेटा निकालने का कोड और यहाँ पर डालने का लिखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो हम फिर से चलते हैं पिछले पेज पे, यहाँ से इस बार हम सबमिट करते हैं दोबारा से वो पेज। अब आप देखोगे वो डेटा आपका 10 रो में इंसर्ट हो गया। शायद यही क्वेरी थी आपकी, अगर आपको समझ आ गया है तो आप मैसेज में जरा एक बार बता दीजिए मुझे, यही पूछना चाह रहे थे। अब ये तो मैंने हार्ड कोड भेजा जो पिछले पेज से हमने भेजा था, लेकिन आप चाहते हो तो आप ये डेटा कहीं डेटाबेस वगैरह से भी ला सकते हो। आपको करना क्या है, सिर्फ डेटाबेस से कनेक्टिविटी होनी चाहिए उस केस में, और फिर वो डेटा आप इस टेबल में या किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हो। आप सर्च कर चला सकते हो कि पिछले पेज से डेटा सर्च हुआ तब वो डिस्प्ले हुआ, कुछ भी इस तरीके की फंक्शनिंग आप चला सकते हो। तो आई होप कि जो मैंने समझाया आपको समझ आ गया होगा, और जो पुराना वाला लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दी है, आज वाले की मैं अपलोड कर दूंगा। ये डेटाबेस वाला मैं आपको बता दूंगा, बट डेटाबेस कनेक्टिविटी मैं आपको कल बताऊंगा। उस डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिगार्डिंग आपको क्या क्या पता होना चाहिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सिस्टम में एक सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए जिसमें आप डेटाबेस बना पाओ, मैं भी आपको प्रीरिक्विजिट बता देता हूँ क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सर्वर होना चाहिए तो आप इसके लिए इंस्टॉल कर लीजिए जैम्प का सर्वर आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैम्प में डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बेसिक बता दूंगा, डेटाबेस टेबल किस तरीके से बनाते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं आपके वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप डेटाबेस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। डेटाबेस के बारे में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, थ्योरी डेटाबेस की,
कौन कौन से टर्म्स का क्या मीनिंग होता है, क्वेरीज किस तरीके से चलाते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। और जब आपने ये डेटाबेस बना लिया सर्वर पे, फिर आपको जावा के प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, जावा के प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक तो जार ऐड करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट के अंदर। जार, जार क्या होती है मैं तो आपको बता भी दूंगा किस तरीके से आप सर्च कर सकते हो उस जार को। एक बार वो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जार ऐड करनी पड़ती है। जब आप जार ऐड कर लोगे, उस जार का नाम होगा हम किस डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग जार आती हैं। तो जैसे हम MySQL के साथ कर रहे हैं तो आपको MySQL की जार ऐड करनी पड़ेगी। ये MySQL की जार आप प्रोजेक्ट में ऐड कर लोगे। जार फाइल क्या होती है, इसके अंदर आर्काइव फाइल होती हैं, जो क्लासेज होती हैं वो कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर रहती हैं। हम फिर कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे। कनेक्टिविटी के बाद अगर हमें डेटा इंसर्ट करना तो इंसर्ट वाली क्वेरी चला देंगे, अगर सेलेक्ट करना है डेटा तो सेलेक्ट वाली क्वेरी चला देंगे। तो ये सारा खेल होगा क्वेरी का। तो आई होप कि कल वाली क्लास में मैं आपको वो करा पाऊंगा डेटाबेस कनेक्टिविटी का। अभी तक मैंने जो बताया आपको जरूर समझ आया होगा।